Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। पंजाब के मोहाली में ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले को लेकर ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के आवास पर रेड मारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस से जारी तनातनी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को कई सारे भारतीय विपक्षी नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा है। इसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया। सचिन पायलट खेमे के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्योति खंडेलवाल और पंडित सुरेश मिश्रा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप लगाया कि पायलट खेमे के नेताओं को कांग्रेस साइडलाइन कर रही है। भारत के टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने फिलिस्तीन और गाजा के पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने पीड़ितों के खाना, पानी और बिजली रोकने पर सवाल खड़े किए हैं। हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल और नासिक के सांसद हेमंत गोडसे ने इस्तीफा दे दिया है। मराठा समुदाय के प्रति समर्थन दिखाने के लिए दोनों सांसदों ने ये कदम उठाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को जान से मारने की तीसरी धमकी मिली है। इस बार 400 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज मनोज जरांके से फोन पर बातचीत की। सीएम ने कहा कि कुंभी प्रमाण पत्र देने के संबंध में आज की कैबिनेट में ठोस निर्णय लिया जाएगा। मराठा आरक्षण की मांग ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया है। आंदोलनकारियों ने एनसीपी के विधायकों के दफ्तर और घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण की मांग के बीच मनोज जरांके ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। मराठा आरक्षण प्रदर्शन को लेकर शिंदे सरकार कुनबी जाति के लिए नए प्रमाण पत्र जारी करेगी। शिंदे ने हिंसक प्रदर्शन को लेकर कहा कि जरांके को आंदोलन के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज मनोज जरांके से फोन पर बातचीत की। सीएम ने कहा कि कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में आज की कैबिनेट में ठोस निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी पूछताछ वाले दिन ही सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी शहर में आज एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत की फिल्म तेजस का हाल बेहाल रहा है। ये फिल्म 1 करोड़ की भी कमाई नहीं कर सकी है। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 इस दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।